हेलो एवरीवन, मैं हूं उदय परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी लीड्स अकेडमी यूके। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइंस, और इस पे मैं बहुत सारी बातें आपसे करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत पसंद करेंगे, आपको इनमें बहुत सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे जो है प्रे हिस्टोरिक टाइम से लेके साइंस की डेवलपमेंट, साइंस की ओरिजिन, किस लैंग्वेज से ये टर्म लिया गया है, इसकी मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन, ओल्ड, एडवांस और मॉडर्न, ये सारी चीज़ों पे मैंने जो है बात की थी। हालांकि इस लेक्चर में मैं जो शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइंस पे बात कर रहा हूँ, इसको और प्रीवियस लेक्चर को मैं जो है वो कंबाइन करके चलूँगा, बातों को या लेक्चर्स की जो पॉइंट है वो कनेक्ट करके जो है चलूँगा, ताकि लेक्चर जो है ये कनेक्टेड रहे। इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली लेक्चर की इंस्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, और वीडियोज़ को जो है लाइक करें, शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर की मैं थोड़ी सी टच देता चलूँ, ताकि आने वाली ये जो लेक्चर्स की जो पॉइंट है वो उससे वाबस्ता हैं थोड़ी बहुत, तो वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रेहिस्टोरिक टाइम का जिक्र किया था, जहाँ से उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने स्पेशली हेवनली बॉडीज़ के बारे में जो है उनकी मूवमेंट, स्पेशली मून, स्टार एंड सन की जो मूवमेंट है उनसे वाबस्ता वो प्रेडिकेशंस करते थे, ऑब्जर्वेशंस करते थे। ये वो चीज़ें थी जिन्होंने साइंस को जो है वो जन्म दिया है। इसके बाद मैंने आपको जो है वो मेसोपोटामिया जो लोग थे, स्पेशली जो मेसोपोटामिया आज भी इराक का सिटी आई थिंक, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा था कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं स्पेस की हेवनली बॉडीज जो है वो अर्थ के अराउंड जो है वो मूव करती है। ये ऑब्जर्वेशंस और प्रेडिकेशन जो है इन लोगों ने की थी। और उसके बाद जो है मैंने आपसे मेट्रोलॉजी का जिक्र किया था, जहाँ पे ब्रॉन्ज एज, आयरन एज का जो है मैंने आपको आपसे जिक्र किया था, ब्रॉन्ज एज जहाँ पे सबसे पहले जो है कॉपर और टिन ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट की गई, आयरन एज में जो है वो आयरन एक्सट्रैक्ट किया। हालांकि ये चीज़ें जो एक्सट्रैक्ट की गई हैं उन लोगों ने जो की है ये केमिकल प्रोसेस, ये काम कर रहे थे उन्हें पता नहीं था, वो अनअवेयर थे, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे थे कि वो कोई केमिकल प्रोसेस से ये चीज़ें जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके बाद मैंने मेडिसिन का जिक्र किया था, हालांकि मेडिसिन जो है वो मुस्लिम पीरियड में बनाई गई है, स्पेशली बू अली सीना के हाथों से ये इस मेडिसिन का जो है वो जन्म हुआ है। मेडिसिन के साथ साथ एक्सपेरिमेंट, ये बहुत सारी चीज़ें ये मुस्लिम पीरियड में हुई है। मुस्लिम पीरियड को जो है वो रिवोल्यूशनरी और डेवलप्ड पीरियड जो है वो कहा जाता है साइंस का, जिसने साइंस को बहुत सारा सपोर्ट किया और उसको डेवलप किया है। हालांकि ये मुस्लिम पीरियड 8th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक रहा है, और इस पर बहुत सारा जो है वो काम किया गया। आज की शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइंस का जो पहली पॉइंट है वो है कि ऑब्जर्वेशंस को मद्देनज़र रखते हुए थ्योरी को सजेस्ट करना, ये काम ग्रीक ने किया है। और मैं अगर मिसाल दूं कि पहला वो ग्रीक बंदा जिसने थ्योरी जो है सजेस्ट किया अपनी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड, वो पैथागोरस था, जिसने जो है मैथामेटिकल व्यू दिया अराउंड द वर्ल्ड, अबाउट द वर्ल्ड, इसके बारे में जो है उसने मैथामेटिकल जो है व्यू दिया था। इसके साथ साथ अरस्तु और प्लेटो भी हैं जिन्होंने जो है अपनी लॉजिकल मेथड्स जो है वो डेवलप की। इसके साथ साथ ग्रीक वो थे जिन्होंने कहा कि मैटर जो है वो सिमालेस पार्टिकल, बहुत सारे बारीक टुकड़े जिनका बना हुआ है, जिनको हम एटम्स कहते हैं, और एटम इतना बारीक टुकड़ा है कि आगे फुर्दर ये सिमालेस पीसेस में ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, ये ग्रीक ने बात की। हालांकि ग्रीक ही नहीं थे जो साइंस पे काम कर रहे थे उस वक्त जो है, जब ये सारा काम हुआ हो रहा था, तो उस वक्त जो है इंडिया, चाइना, मिडल ईस्ट, साउथ अमेरिका, ये धरती पे, अर्थ प्लानेट पे, ये वो लोकेशन थे जहाँ पे साइंस पे जो है काम हो रहा था। इन ये लोकेशन जो मैंने आपको बताया, इंडिया, चाइना, मिडल ईस्ट, साउथ अमेरिका, ये लोकेशन जो है इनके कल्चरल व्यू उस वक्त बहुत डिफरेंट थे एक दूसरे से, अभी तक भी बहुत डिफरेंट है, लेकिन इन्होंने साइंस पे काम करते हुए अपने अपने गन पाउडर पेपर ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलप कर रहे हैं। ये जो सारे काम हो रहे थे साइंस में, ये अभी तक 13th सेंचुरी का जो है पीरियड नहीं है,
या इस वक्त यूरोपियन यूनिवर्सिटी में जो है साइंस पे बहुत सारा काम हो रहा था, जो आज भी हम मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें जो है साइंस की आज भी उन्हीं की डेवलप की हुई हम यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद 13 सेंचुरी से लेके 16 सेंचुरी तक साइंस पे बहुत ही स्लो काम हो रहा था। और 16 सेंचुरी में आप विलियम हार्वे को ले लें, जिसने जो है वो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन उस पर जो है काम किया था। 17 सेंचुरी जो है ये मॉडर्न साइंस का जो है वो बर्थ ईयर माना जाता है। 17 सेंचुरी जहाँ पे माइक्रोस्कोप ऐसे लाइक टेलीस्कोप जैसे जो है इंस्ट्रूमेंट, इनको इस्तेमाल करके बहुत सारी जो है वो डिटेल इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है। इस पीरियड को वो पीरियड जिसपे टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप ऐसी चीज़ें ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल स्पेशली किया गया, इस पीरियड को मॉडर्न साइंस का जो है वो पीरियड कहा जाता है। इसके बाद 18 सेंचुरी जहाँ पे साइंस और बायोलॉजी का जो बेसिक है उस पर स्पेशली जो है काम किया गया। इसको 18 सेंचुरी को हम जो है एज द पार्ट ऑफ एज ऑफ इनलाइटमेंट पीरियड भी जो है वो कहा जाता है। इसके बाद 19 सेंचुरी जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम जो हैं वो मेंशन के लाइक हैं, लाइक अगर आप केमिस्ट जॉन डाल्टन को देख लें जिसने जो है वो एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर सजेस्ट की, अलावा माइकल फ्राडे और जेम्स मैक्सवेल इन दोनों ने अपनी अपनी थ्योरीज पेश की हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में। इसके साथ साथ चार्ल्स डार्विन ने जो है कंट्रोवर्शनल जो है थ्योरी पेश की है एवोल्यूशन की। 20 सेंचुरी जहाँ में लेजर टेक्नोलॉजी बहुत सारी रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज जो है ये टेक्निक्स जो है डेवलप की गई है, अनबिलीवेबल काम जो है वो 20 सेंचुरी में जिनका जन्म हुआ, जैसे कि लेजर टेक्नोलॉजी है, साउंड टेक्नोलॉजी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये 20 सेंचुरी में ऐसी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं जो अनबिलीवेबल हैं। तो ये सारा काम जो है ये साइंस के इन एन पीरियड में हुआ। इसके बाद मैं आपको जो है वो इवेंट्स इन अर्थ हिस्ट्री, इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ जो कुछ हुआ है वो बताने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो धरती प्लानट और अदर प्लानट ये जो है इनका वजूद पाया गया। इससे पहले ये कायनात जो है एक हॉट पॉइंट थी, उसका टेम्परेचर बहुत बड़ा था और टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि अचानक इसमें जो है धमाका हुआ। उस धमाके से जो है ये सारी गैलेक्सीज और ये कायनात का जो है जो वजूद पाया गया। इसके बाद लाइफ का पहला सबूत जो है फर्स्ट इवन एविडेंस ऑफ लाइफ ये धरती पे जो है 3.8 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो पाया गया। और धरती पे सबसे पहले इवोल्यूशन जो है वो लैंड प्लैनेट्स में हुई है जो 44 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो हुई है। और इसके बाद एनिमल्स, लैंड एनिमल्स जो है इनमें इवोल्यूशन जो है वो 4 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो हुई है। इवोल्यूशन का मतलब है एक जानदार चीज़ दूसरी जानदार चीज़ को जो है जन्म दे और वो चीज़ इस चीज़ से जो है वो अलग हो, इससे जो है थोड़ा डिफरेंट हो। ये जो चीज़ डिफरेंस हुआ है इसे इवोल्यूशन कहते हैं। ऐसा निज़ाम जो अलिए जो लिविंग थिंग उसमें ना हो, उससे वो थोड़ी सी एडवांस हो, उसमें कुछ न्यू फीचर्स हो, उससे जो है लिविंग थिंग्स के अंदर उसे जो है इवोल्यूशन कहते हैं। और इंसान के अंदर या इंसान जैसी जो मखलूका थी पहले उसके अंदर इवोल्यूशन जो है वो 3 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो है वो हुआ है। इसके बाद मैं आपको साइंस और ह्यूमन सेंस डेवलपमेंट के हवाले से बताने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि 35,000 साल पहले इंसान ने फ्लूटली जो है वो स्पीच करना, गुफ्तगू करना शुरू किया और इंसान ने जो है सबसे पहले सेटलमेंट जिसे हम गांव या आबादी कहते हैं ये जो है इकट्ठे होकर रहना ये इंसान ने जो है 12,000 साल पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया इसका सेटलमेंट्स बनाई। और 9,000 साल पहले इन जो टूल इस्तेमाल किए गए वो स्टोन के टूल थे, फिर चाहे वो टूल हंटिंग के हो, चाहे वो किसी के भी काम के टूल हो, घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले टूल हो या और कोई टूल हो, ये सारे टूल जो है
ये 9,000 साल पहले जो इस्तेमाल किए गए वो स्टोन टूल थे। बाद 6,000 साल पहले जो है वो राइटिंग जो है वो डेवलप की गई, और वो राइटिंग जो है वो पिक्चर्स पे बंधी हुई थी, वो पिक्चर्स पे बनी हुई थी। सबसे पहले जो राइटिंग डेवलप की गई वो राइटिंग पिक्चर्स पे बनी हुई थी, और ये राइटिंग इजिप्ट और मेसोपोटामिया वाले लोगों ने जो है उस वक्त के जो लोग हैं उन्होंने बनाई थी। इसके बाद 5,800 साल पहले जो है सबसे पहले यूज़ ऑफ अलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर का जो है वो इस्तेमाल किया गया। 3,700 साल पहले जो है वो पहली अल्फ़ाबेट बनाई गई, और ये अल्फ़ाबेट जो है ये फलस्तीन वालों ने जो है वो बनाई थी। इसके बाद आयरन का 3,500 साल पहले जो है वो आयरन का इस्तेमाल किया गया, आयरन को इस्तेमाल में लाया गया, आयरन की चीज़ें बनाई गई, चाहे वो टूल हो, बर्तन हो, खाने पीने के बर्तन हो या और कोई चीज़ें हो, उन चीज़ों को जो है आयरन से बनाया गया, आयरन का इस्तेमाल किया गया। आज से 2600 साल पहले का जो पीरियड है उसे ग्रीक पीरियड कहा जाता है, और वो ग्रीक पीरियड जो है वो फिलोसॉफी पे बंधा हुआ था। फिलोसॉफी पे मतलब एक बंदा जो कुछ बातें कह दे और उस पे यकीन करें और उसी को हकीकत समझ के चलें, ऐसा पीरियड था ग्रीक पीरियड 2600 साल पहले। और उस वक्त के फिलोसोफर जो है वो अरस्तो और पैथागोरस जैसे लोग थे। 700 साल पहले जो है वो एक्सपेरिमेंटल साइंस ऑफ विलियम ऑफ ओकाम उसने जो है वो डेवलप की, जिसमें उसने स्पेशली जो है वो रेगुलर एक्सपेरिमेंट्स और कॉमनली छोटे बड़े कामों में जो है एक्सपेरिमेंट्स करना, साइंस के जो काम थे स्पेशली उनमें जो है एक्सपेरिमेंट्स को जो है वो रेगुलराइज किया गया। से 500 साल पहले ये समझा गया कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करती है, और इसके साथ साथ 500 साल पहले जो है वो कैक्सोन एक प्रिंटिंग प्रेस उसको भी इन्वेंट किया। आज से 400 साल कबल 400 साल पहले जो है सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी विलियम हार्वे ने जो है वो सजेस्ट किया, उसने ये मैकेनिज्म समझा और बताया कि इंसान की बॉडी में ब्लड जो है वो ऐसे गर्दिश करता है और ऐसे पूरी बॉडी में जो है घूमता है। ये मैकेनिज्म जो है ये विलियम हार्वे ने जो है 400 साल पहले सजेस्ट आज से किया। 300 साल पहले थ्योरी ऑफ ग्रेविटी जो न्यूटन ने पेश की, डेवलप की और पेश की सजेस्ट की, और इनोवेशन ऑफ टेलीस्कोप वो भी आज से 300 साल पहले हुई। 200 साल पहले रिवोल्यूशन इन इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ये जो लाया गया ये ब्रिटेन वालों ने लाया था। ब्रिटेन में उन्होंने जो है वो इंडस्ट्री को लगाना और इंडस्ट्री के अंदर एक किस्म की प्रोडक्ट बल्ब फॉर्म में या लार्ज जो है वो नंबर में पैदा करना, ये इंडस्ट्री का सिस्टम और इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाना, ये काम जो है ब्रिटेन ने आज से 200 साल पहले किया। आज से 150 साल पहले चार्ल्स डार्विन ने जो है वो इवोल्यूशन की थ्योरी, इवोल्यूशनरी थ्योरी या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सजेस्ट की थी बाय नेचुरल सिलेक्शन, और उसी साल जो है अली फॉर रेलवे फोटोग्राफी जो है वो भी दो इन्वेंट साल हुआ। पहले जो है फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट उसको बनाया गया, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने डेवलप की थी ये चीज़ें जो है वो 100 साल पहले डेवलप हुआ। 60 साल पहले फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है वो डेवलप किया गया है। आज से 50 से 60 साल आज से पहले 40 से 50 साल पहले स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डीएनए उसकी स्ट्रक्चर पेश की गई, उसकी कंपोजिशन और सारी जो है वो डीएनए से वाबस्ता जो भी चीज़ें थी ये आज से 40 से 50 साल पहले जो है ये प्रपोज की गई हैं, और डीएनए की स्ट्रक्चर स्पेशली जो है वाटसन और क्रिक ने पेश की। 30 से 40 साल पहले मून पे लैंड करने वाला सबसे पहला इंसान 30 से 40 साल पहले वहाँ पे पहुँचा था आर्मस्ट्रॉन्ग, और उसी आज से 30 से 40 साल पहले जो है सिलिकॉन चिप्स वाले कंप्यूटर भी जो है आज वो से बनाए। 20 साल पहले ह्यूमन जेनम की मैपिंग करना, ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन, इंटरनेट कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें जो है आज से 20 साल पहले जो है डेवलप हुई हैं, और ये पीरियड जो है ये एडवांस मॉडर्न साइंस का जो है पीरियड है। अब मैं आपको क्लियर करता चलूँ, प्री हिस्टोरिक टाइम से लेके 16 सेंचुरी तक एंशियंट साइंस का पीरियड कहा जाता है। 17 सेंचुरी से 19 सेंचुरी तक जो है ये मॉडर्न साइंस का पीरियड कहा जाता है।
20 सेंचुरी से अभी जो करंट ये पीरियड चल रहा है, ये एडवांस मॉडर्न साइंस का पीरियड जो है वो कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो है बहुत अच्छा लगा होगा, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें और इन्फॉर्मेशन मिली। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं ताकि आने वाली लेक्चर्स आपको मिलती रहें, और इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।